Hello everyone and welcome to Classes by Vijayata. Our today's topic is listening to consumers through research in service industry. Ye topic continuation mein hai consumer expectations or consumer perception mein in service marketing. Service marketing mein hame hamare customers ke expectations ka pata hona chahiye. Aur ye pata kaise karte hain? और कस्टमर्स का एक्सपेक्टेशन अगर आपको पता है तो आपको कस्टमर का परसेप्शन भी पता होगा और अगर आपको इन दोनों में से कोई भी ऐसी चीज अगर है जो आपको नहीं पता मतलब अगर आपको एक्सपेक्टेशंस पे नहीं पता आपको परसेप्शन नहीं पता तो फिर आप बहुत सारा मैसअप करने वाले हैं अपने सर्विस इंडस्ट्री अपने सर्विस एंडेवर्स में. तो एज अ सर्विस मार्केटर और एनी मार्केटर एनी मैनेजर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर understanding consumers or making plans for consumer satisfaction in any of the organization usko consumer ke expectations ka pata hona chahiye. ye expectations perception hum kaise pata kar sakte hain ye pata kar sakte hain research ke through. isliye ye topic hai listening to consumers through research in service industry. so let's move forward. सो सर्विस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा डिजास्टर है ये जानना कि मतलब ये सोचना एज अ सर्विस प्रोवाइडर दैट दे नो अबाउट द कस्टमर और उसमें भी कि कस्टमर को क्या चाहिए होगा या क्या कस्टमर को क्या चाहिए शुड वांट हा? ये यहाँ पे डबल कोट में आप देख इमेजिन करिए कि सर्विस प्रोवाइडर बिलीव they know what customers should want and deliver that rather than finding out what they do want. मतलब हम अपने मन में अपने ख्याल में ख्याली पुलाव हमने बना लिया कि कस्टमर्स को तो यही सर्विस चाहिए होगी या फिर इतना हम कर रहे हैं ये कस्टमर्स के लिए यही चीज बहुत अच्छी होगी तो हम अपने हिसाब से सोच लें और उसके हिसाब से हम सर्विस डिलीवरी करें rather than finding out what actually they do want. लाइक उनको एक्चुअली में चाहिए क्या ये फाइंड आउट करने पे हम पेन नहीं लेते हैं और एज अ सर्विस प्रोवाइडर अगर हम अपने मन से सोचने के लिए कस्टमर को तो यही सारी चीजें चाहिए होंगी तो वहां पे होता है सर्विस इंडस्ट्री डिजास्टर. इसको हम एक डिजास्टरस सिचुएशन कह सकते हैं जहां पे अगर पहला ही अगर आपको गैप मॉडल याद हो तो पहला ही मॉडल यही है पहला ही गैप यहाँ से शुरू हो जाता है कि आप अपने एज अ मैनेजमेंट अगर आप जानते ही नहीं है कि आपके कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस क्या है तो आप उसको डिलीवर ही नहीं कर सकते कुछ भी जिससे कि वो सेटिस्फाई हो जाए. तो यहाँ अगर आप अपने मन से सोच लें कि कस्टमर्स को ये एक्स वाई जेड चीज चाहिए और रैदर उनको चाहिए थी ए बी सी और आपने दे दिया एक्स वाई जेड आपने एक्स वाई जेड पे पूरा फोकस लगा दिया और जबकि उनको चाहिए था ए बी सी एग्जाम्पल पे कह रही हूँ तो वैसे केस में आप एक सर्विस इंडस्ट्री डिजास्टर वाले सिचुएशन पे आएंगे मतलब आप आपकी कंपनी बंद भी हो सकती है. तो वहां पे क्या करें कैसे ये सिचुएशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इज लिसन टू योर कंज्यूमर्स. पहले समझिए कि आपके कंज्यूमर्स को चाहिए क्या क्या चाहते हैं आपके कंज्यूमर्स और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करिए. तो कैसे समझेंगे क्या जा के पूछेंगे क्या कान लगा के सुनने वाले हैं कि हाँ भैया बताओ क्या चाहिए तुम्हें तो वहां नहीं कर सकते ना वैसा. तो इसलिए हमें क्या करना है हमें रिसर्च करना पड़ेगा. तो ये जो रिसर्च है ये क्यों करते हैं हम इन ऑर्डर टू नो आवर कस्टमर एक्सपेक्टेशन इन ऑर्डर टू नो व्हाट एवर आवर कस्टमर वॉन्ट्स. तो रिसर्च is very important in order to know about your customer. जब भी कहते हैं ना banks में आप KYC करते know your customers. तो why it is so important to know your customers? Because if you don't know your customer, you will make wrong products, wrong services, और फिर उसके बाद की कहानी तो आपको मालूम ही है. So आप जब customer expectations के बारे में रिसर्च करते हैं तो वहां पे क्या होता है तो फाइंडिंग आउट कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस इज एसेंशियल इन टू प्रोवाइड सर्विस क्वालिटी एंड कस्टमर रिसर्च इज की व्हीकल फॉर अंडरस्टैंडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड परसेप्शन ऑफ सर्विस. वी कैन ओनली नो आवर कस्टमर्स थ्रू रिसर्च. विदाउट रिसर्च वी कैन नॉट नो अबाउट आवर कस्टमर एंड व्हाइल रिसर्च व्हाट वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट फीचर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कस्टमर्स. What level of these features customer expect
and what customer think the company can and should do when problem occur in service delivery. क्या क्या फीचर्स कस्टमर्स को चाहिए, कौन से फीचर्स की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, मतलब किस फीचर्स के ऊपर उनका फोकस ज्यादा होता है, उससे कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस कितना है, एंड अगर कहीं पे भी सर्विस डिलीवरी में प्रॉब्लम है तो वहां पे कस्टमर्स के हिसाब से आपको इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए. जैसे मान लीजिए एक हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल में आपका पेशेंट, एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट आता है, पेशेंट डॉक्टर से तो खुश है लेकिन नर्सर से खुश नहीं, दवाई का दाम उनको बहुत ज्यादा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद वहां के स्टाफ का बिहेवियर उनके साथ अच्छा नहीं है, और उसने बहुत खराब खराब सा रिव्यू आपके बारे में आपके हॉस्पिटल के साइट पे लिख दिया या गूगल रिव्यूज में लिख दिया. तो आप जहां, अब ये एक प्रॉब्लम आ गई, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो वहां पे आप क्या करेंगे एज अ कंपनी, एज अ हॉस्पिटल, एज अ मैनेजर, आप क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, उनको जाके गुंडे भिजवा के उनकी पिटाई करने वाले के भैया तुम अपना डिलीट करो अदरवाइज मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ, या आपने जितने दवाई के जो पैसे लिए थे आप उसको पैसे वापस कराएंगे, या सिंपली एक फ्लावर भेजेंगे और एक सॉरी लिख के उनको भेज देंगे, या हॉस्पिटल के जो मैनेजर मतलब मैनेजमेंट टीम से कोई उनको फोन करके सॉरी अपोलोजाइज करेगा, क्या होगा, क्या आपके हिसाब से सर्विस डिलीवरी में फेलियर कैसे सॉल्व हो सकता है. तो ये आप अपने जो भी अपने चारों ऑप्शन सोच रहे हैं, शायद ये अपने मन से सोच रहे हैं, हो सकता है कि आपका कस्टमर कुछ और चाह रहा होगा, तो वहां आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये समझना कि व्हाट द कस्टमर एक्चुअली वांट्स. सो इसलिए हमें रिसर्च की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और स्पेशली इन सर्विस इंडस्ट्री जहां पे स्टैंडर्डाइजेशन या हेट्रोजेनिटी को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, वहां क्योंकि पीपल का इंटरेक्शन है, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन होता है सर्विस इंडस्ट्री में, और ये इंटरनल इंटरेक्शन भी हो सकता है, एक्सटर्नल इंटरेक्शन भी हो सकता है, मतलब आपका एम्प्लॉईज भी इंटरेक्ट कर सकता है आपके कस्टमर्स के साथ, आपका एम्प्लॉई आपके साथ एज अ मैनेजमेंट कहाँ पे इंटरेक्शन हो रहे हैं उनके बीच में भी इंटरप्रिटेशन का गड़बड़ हो सकता है, एज अ कंपनी एंड एज अ क्लाइंट उनके बीच में भी इंटरेक्शन में गड़बड़ हो सकता है. तो यहाँ बहुत सारा स्कोप है जहाँ पे ह्यूमन एरर हो सकता है, और ह्यूमन है तो एरर है, और एरर है तो प्रॉब्लम है. तो ये सारे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई जब तक नहीं होगा तब तक सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो इसलिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो आप जब रिसर्च करते हैं तो व्हाट कैन बी रिसर्च्ड, क्या क्या चीजें हैं जो आप रिसर्च कर सकते हैं, क्या सारी चीजें हम रिसर्च के थ्रू ढूंढ सकते हैं, या रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं हमारे. तो व्हेनेवर वी आर डूइंग अ रिसर्च, जो हमारे मेन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो इस प्रकार हो सकते हैं. पहला तो हो सकता है टू डिस्कवर कस्टमर रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन ऑफ द सर्विस. सबसे मेन तो यही है कि आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशंस को जानने की कोशिश करते हैं. टू ट्रैक सर्विस परफॉर्मेंस, आपने जो ब्लूप्रिंट बनाई थी, आपने जो सर्विस ब्लूप्रिंट बनाई थी वो एक्चुअली में वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, आपका एम्प्लॉई उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, आपका जैसे डोमिनोज ने कहा कि आधे घंटे में पहुंचना है तो क्या आधा घंटे में पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, जोमैटो अगर लिख के दे रहा है कि नहीं आपका 15 मिनट में आपका खाना आपके घर पहुंच जाने वाला है, तो क्या आपका जो बंदा है वो मैप के अनुसार उसके पास आधे घंटे में पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा. तो ये मॉनिटर एंड ट्रैक द सर्विस परफॉर्मेंस टू एक्सेस ओवरऑल कंपनी परफॉर्मेंस कंपेयर्ड विद दैट ऑफ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन के हिसाब से आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं. टू एक्सेस गैप बिटवीन कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड परसेप्शन, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन आपके सर्विसेज को यूज करने के बाद जो बना उनका, इसके बीच में कितना गैप है उसको फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको ये गैप को फिल करना पड़ेगा. टू आइडेंटिफाई डिससैटिस्फाइड कस्टमर सो दैट सर्विस रिकवरी कैन बी अटेम्प्टेड. सर्विस रिकवरी एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में अलग से बात करेंगे, लेकिन अगर आप नॉर्मली ऐसे समझे कि आपका जो आपका दुखी कस्टमर है, डिससैटिस्फाइड कस्टमर है, उसको आप कैसे खुश कर सकते हैं, उसको वापस से आप अपने कहते हैं अपने ग्लास में कैसे उतार सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं उनके लिए. टू गॉज द इफेक्टिवनेस ऑफ चेंजेस इन सर्विस डिलीवरी, आपने अगर सर्विस डिलीवरी में कोई चेंजेस किए हैं तो उसका इफेक्टिवनेस है या नहीं, इसके लिए भी रिसर्च हो सकती है. टू अप्रेज द सर्विस परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल एंड टीम
फॉर इवैल्यूएशन रिकॉग्निशन रिवॉर्ड, अपने एम्प्लॉइज को भी तो आर एन आर करेंगे ना, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन करेंगे, तो ये रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन कैसे करेंगे टू अप्रेज, ये कैसे करेंगे कि आपका कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई खराब काम कर रहा है, इसके लिए भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा. टू डिटरमाइन कस्टमर एक्सपेक्टेशन फॉर न्यू सर्विस, कस्टमर एक्सपेक्टेशन को जानना जरूरी है, लेकिन न्यू सर्विस के लिए और भी जरूरी है, क्योंकि आप कुछ नया ला रहे हैं और उसमें ही गुफअप कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम है. टू मॉनिटर चेंजिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन इन द इंडस्ट्री, क्योंकि आप सबको पता है कि कस्टमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होता है विद ड्यू टाइम वो चेंज होता रहता है, इसलिए इस चेंज को रेगुलरली मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. टू फोकस्ट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ सर्विसेस, और आगे भविष्य में भी कस्टमर क्या चाहता है ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इन सब के लिए इस तरह से अगर आप इसमें से कोई भी टॉपिक पर रिसर्च कर सकते हैं, और रेगुलरली कंपनीज को इन सारे टॉपिक्स पर रिसर्च करने की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू मेक अ गुड कंपनी, इन ऑर्डर टू मेक अ वैल्यूएबल कंपनी, एक वैल्यू एडिशन करने वाली कंपनी जिसका मार्केट में बहुत नाम है, लोग उससे बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं, उसके लिए अगर आप देखेंगे उस कंपनी के परफॉर्मेंसेस को देखेंगे, उनके एक्शंस को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि कंपनी इन सारे टॉपिक्स पे, इन सारे प्रॉब्लम एरियाज पे रेगुलर रिसर्च करती है और उसके हिसाब से अपने आप पे चेंजेस लाती रहती है. सो जब आपको पता है कि आपको कैसे रिसर्च, क्या टॉपिक पे रिसर्च करना है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि एक रिसर्च आप कैसे प्रोग्राम, रिसर्च प्रोग्राम को कैसे डेवलप करेंगे, मतलब कैसे करेंगे रिसर्च, व्हाट आर द थिंग्स जो कि आपको रिसर्च में ध्यान रखने की जरूरत है. रिसर्च प्रोसेस के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि कंज्यूमर रिसर्च के ऊपर एक अलग टॉपिक, अलग वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा. और अभी तक मैं जो इसको पढ़ रहा है, अभी तक मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी तो पढ़ ही चुका होगा, तो आप रिसर्च को अलग से देख लीजिएगा. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इफेक्टिव सर्विस रिसर्च प्रोग्राम्स. अगर कोई सर्विस इंडस्ट्री या कोई सर्विसेज, सर्विस मार्केटिंग प्रोवाइड करने वाला बंदा है, या कोई सर्विस मार्केटिंग मैनेजर है, या फिर कोई सर्विस बेस्ड कंपनी है, जब वो कोई रिसर्च कर रही होती है, तो उसका एक इफेक्टिव सर्विस रिसर्च प्रोग्राम कैसा दिखना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो होनी चाहिए, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर एन इफेक्टिव सर्विस रिसर्च प्रोग्राम. सो सर्विस रिसर्च प्रोग्राम क्या होता है? सर्विस रिसर्च प्रोग्राम कैन बी डिफाइंड एज अ पोर्टफोलियो ऑफ रिसर्च स्टडीज एंड टाइप्स नीडेड टू एड्रेस रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड एग्जीक्यूट एन ओवरऑल मेजरमेंट स्ट्रैटेजी. हमने जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के लास्ट स्लाइड में बात करी है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए हम कैसे रिसर्च स्टडी को कैरी आउट करेंगे, सो दैट वी मीट दैट रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड एग्जीक्यूट एन ओवरऑल मेजरमेंट स्ट्रैटेजी. कोई भी रिसर्च जब हम कर रहे हैं, तो उसको, उसके आउटकम्स को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, जो भी चीजें हम बात करें उसको क्वांटिटेटिवली कैसे हम लिख सके, कैसे नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सके, उसके लिए एक सर्विस रिसर्च प्रोग्राम को डेवलप करना पड़ता है. सो एक सर्विस रिसर्च प्रोग्राम कब अच्छा कहलाता है? जब ये इंक्लूड करता है बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक्स दोनों को यूज करे, includes both expectation and perception of customers, जिसमें हम सिर्फ expectations नहीं perception की भी बात करें, balances the cost of research and the value of the information. एक effective research program का सबसे important चीज है कि उसमें जिसको research को करने में जितना cost आ रहा है उससे ज्यादा उससे value addition होना चाहिए हमारे में. ये नहीं कि हमारा कुछ उससे value addition नहीं हो रहा, हम बेकार का ऐसे ही research किए जा रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए. balances the cost of research and value of information. Includes statistical validity when necessary. कोई भी research, कोई भी qualitative हो चाहे quantitative हो, अगर हम जब उसका interpretation कर रहे हैं, तो उसकी statistical validity होनी चाहिए. आप statistically validate कर पाए, कहते हैं ना reliability of data is, ये बहुत ज्यादा उसके लिए important है कि आपका जो data statistical data हो, उसकी statistical validity हो. ठीक है, तो validity check कर सके हम कि हाँ, आप जो भी बातें कर रहे हैं वो हर एक कंडीशन में करेक्ट रहेंगी, तो वैलिडिटी हो. मेजर्स प्रायोरिटीज एंड और इम्पोर्टेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स. हम एट्रीब्यूट्स, आपने अगर रिसर्च का देखा होगा वीडियोस, मेरे रिसर्च के भी वीडियोस हैं, आप उसको देख सकते हैं, तो उसमें आपको पता चलेगा कि एनालिसिस हम एट्रीब्यूट्स की भी करते हैं और वेरिएबल्स की भी करते हैं. तो एनालिसिस, जब हम एट्रीब्यूट्स की एनालिसिस कर रहे हैं, तो वहां पे उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से, उसका, उसके इंपॉर्टेंस के हिसाब से हम रिसर्च करें, तो हमारा जो रिसर्च का प्रोग्राम होगा वो बेटर होगा. एंड ऑकर्स विथ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मतलब अगर हम जब भी कर रहे हैं रिसर्च,
तो उसका एक फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, मतलब पीरियोडिकल जो उसका पीरियोडिसिटी है, मतलब एक साल में एक बार कर रहे हैं, 5 साल में एक बार कर रहे हैं, हर महीने कर रहे हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ पीरियोडिसिटी यू वांट। तो वो पीरियोडिसिटी, वो फ्रीक्वेंसी आपकी एक अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर दिन ही रिसर्च कर रहे हैं, वैसा भी नहीं होना चाहिए। या फिर हम कभी 10 साल में एक बार कर लिए, फिर 20 साल में एक बार कर रहे हैं, वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो ऑकर्स विथ एन अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी, तभी वो एक इफेक्टिव रिसर्च प्रोग्राम होगा। एंड इंक्लूड मेजरमेंट ऑफ लॉयल्टी, बिहेवियरल इंटेंशंस एंड एक्चुअल बिहेवियर। जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग अ सर्विस रिसर्च, तो यहाँ पे कस्टमर की लॉयल्टी, बिहेवियरल इंटेंशंस और एक्चुअल बिहेवियर, इसके ऊपर भी रिसर्च करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसका मेजरमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंप्लीटली कंज्यूमर, जब हम कंज्यूमर के बारे में बात करें, तो वी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो वहां बिहेवियरल इंटेंशंस में कैसे चेंज आता है, और एक्चुअली हाउ दे इंटेंशन कुछ और है और बंदा बिहेव कुछ और ही कर सकता है, यही ह्यूमन है। तो एक्चुअल बिहेवियर और बिहेवियरल इंटेंशन में क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, ये सब कुछ आइडेंटिफाई करना सर्विस रिसर्च प्रोग्राम में इंपॉर्टेंट होता है। सो व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स इन इफेक्टिव रिसर्च प्रोग्राम? तो एक गुड रिसर्च प्रोग्राम, मार्केटिंग रिसर्च प्रोग्राम इंक्लूड मल्टीपल रिसर्च स्टडीज। एक एक अगर आप कोई भी एक मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, तो उसमें बहुत सारे मल्टीपल रिसर्च स्टडीज हो सकती है, बहुत सारी चीजों को हम एक साथ कंपोजिट स्टडी कर सकते हैं। एंड द कंपोजिट स्टडी ऑफ टाइप स्टडीज एंड द टाइप ऑफ रिसर्च विल डिफर बाई कंपनी, बिकॉज द रेंज ऑफ यूज ऑफ सर्विस क्वालिटी रिसर्च फ्रॉम एम्प्लॉय परफॉर्मेंस असेसमेंट टू एडवर्टाइजिंग कैंपेन डेवलपमेंट टू स्ट्रैटेजी प्लानिंग, ये इन सब के लिए वी रिक्वायर अ रिच मल्टी फेसेट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। एवरी कंपनी हैज अ डिफरेंट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, एवरी कंपनी वर्क्स इन अ डिफरेंट मैनर। तो आपका जो इंप्लॉय का परफॉर्मेंस होगा, इंप्लॉय का इंटरेक्शन होगा, इंप्लॉय की जरूरतें होंगी, या फिर द वे दे इंटरैक्ट विथ योर कस्टमर्स, हर कंडीशन में, हर एक कंपनी में अलग अलग हो सकता है। सो देर विल बी अ कंपोजिट स्टडी, जिसमें कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च स्टडीज को इनकलकेट करते, इन ऑर्डर टू फाइंड व्हाट द कंज्यूमर एक्चुअली वांट्स और व्हाट द कंज्यूमर एक्चुअली एक्सपेक्ट्स। और उसमें हम बहुत तरह के रिसर्च स्टडीज को इंक्लूड कर सकते हैं। तो जब आप सर्विस रिसर्च पोर्टफोलियो बनाए, इसके लिए आपको एक सर्विस रिसर्च पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, जिसमें कि आप डिफरेंट तरह के रिसर्च स्टडीज को यूज करते हैं। और अगर आप किसी एक अच्छे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के सर्विस रिसर्च पोर्टफोलियो को देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत तरह के रिसर्च किए जाते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ आंसर्स। तो अगर आप कुछ एग्जाम्पल्स देखें, कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखें कि किस तरह के रिसर्च ऑब्जेक्टिव के लिए हम किस टाइप का रिसर्च यूज करते हैं, तो किसी भी कंपनी का जो रिसर्च प्रोग्राम पोर्टफोलियो होना चाहिए, इसमें इस तरह के, जैसे जिस एक साइड में आप देखिए टाइप ऑफ रिसर्च लिखा है, और दूसरे साइड में प्राइमरी रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखा है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो आपके दूसरे हाथ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में है, उसमें आपके जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव होंगे, उसके हिसाब से आप टाइप ऑफ रिसर्च चूज कर सकते हैं। तो अगर अभी आप पढ़ने के लिए, अब अगर आप देखें, तो हम पहले टाइप ऑफ रिसर्च और उससे रिलेटेड रिसर्च ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको लोगों का कंप्लेन सॉलिसिटेशन, अगर आप टाइप ऑफ रिसर्च क्या होगा, कंप्लेन सॉलिसिटेशन अगर आप यूज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, टू आइडेंटिफाई और अटेंड द डिसेटिस्फाइड कस्टमर्स और टू आइडेंटिफाई कॉमन सर्विस फेलियर पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे हम क्या ढूंढ रहे हैं, कस्टमर कहाँ कंप्लेन्स कर रहा है, कंप्लेंट क्यों आ रही है, ग्रीवांस रिड्रेसल एक यूनिट होती है ऑर्गेनाइजेशन में। आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में आप देखिएगा कि ग्रीवांस रिड्रेसल यूनिट होती है। बैंक्स में जाएंगे कि आपको ओम्बुड्समैन मिलेगा, तो वहां पे क्या होता है कि आप उस केस में आपको बहुत बार कस्टमर के कहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ रही है, किस जगह वो दुखी है आपसे, ये ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए आप जो टाइप ऑफ रिसर्च चूज करेंगे, वो होता है कंप्लेन सॉलिसिटेशन। दूसरा टाइप ऑफ रिसर्च है क्रिटिकल इंसिडेंट स्टडीज। क्रिटिकल इंसिडेंट स्टडीज जब आप यूज करें, तो यहाँ पे आप टू आइडेंटिफाई क्या आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, टू आइडेंटिफाई बेस्ट प्रैक्टिसेस एज ट्रांजेक्शन लेवल, टू आइडेंटिफाई कस्टमर रिक्वायरमेंट एज इनपुट फॉर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव स्टडीज, टू आइडेंटिफाई कॉमन सर्विस फेलियर पॉइंट्स,
या फिर टू आइडेंटिफाई सिस्टमैटिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन कस्टमर कॉन्टैक्ट सर्विस। यहाँ पे आप क्रिटिकल इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्रिटिकल इंसिडेंट मतलब कि कुछ क्या क्या चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कस्टमर का रिक्वायरमेंट एज इनपुट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन सर्विस फेलियर पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है जानना कि कहाँ पे गलतियां होती हैं आपसे और कहाँ आपके स्ट्रेंथ हो और कहाँ पे वीकनेसेस आपके लाइक करते हैं, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसलिए इसको हम क्रिटिकल इंसिडेंट स्टडीज कहते हैं। उसी तरह से अगर थर्ड टाइप ऑफ रिसर्च इज रिक्वायरमेंट रिसर्च, रिक्वायरमेंट रिसर्च जैसा नाम है, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कस्टमर रिक्वायरमेंट एज इनपुट टू क्वांटिटेटिव रिसर्च। जब आप कोई क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो वहां पे आपका क्या रिक्वायरमेंट होगा, किस तरह की इनपुट्स की जरूरत होगी, उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट रिसर्च करना पड़ेगा। सर्वे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप सर्वे एंड सर्वोक्वल सर्वे, बिकॉज सर्विस इंडस्ट्री एक्चुअली इसी पे बेस्ड है। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड करते हैं, टू मॉनिटर एंड ट्रैक सर्विस परफॉर्मेंस, आपने जो प्रॉमिस किया आप वो पूरा कर रहे हैं या नहीं, इसकी ट्रैकिंग। टू एक्सेस ओवरऑल कंपनी परफॉर्मेंस कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर, टू डिटरमाइन लिंक बिटवीन सेटिस्फैक्शन एंड बिहेवियर इंटेंशन, टू एक्सेस गैप बिटवीन योर कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड परसेप्शन। सर्विक्वल में बेसिकली हम सर्विस क्वालिटी का चेक करते हैं। सर्विस क्वालिटी तभी हम डिलीवर कर सकते हैं जब हमने जो प्रॉमिस किया वही हम उसको डिलीवर करें, तभी हमारी सर्विस क्वालिटी मेंटेन होती है। क्वालिटी आपको पता है एक रिलेटिव टर्म है, क्वालिटी कोई भी अच्छी और कोई भी बुरी नहीं हो सकती अनलेस वी हैव सम फिक्स पैरामीटर्स। तो सर्वोक्वल आपको एक फिक्स पैरामीटर देता है जिसका एक यार्ड स्टिक है कि आपकी सर्विस ऐसी होनी चाहिए, तो अगर आप उससे डेविएट कर रहे हैं मतलब कि आपकी सर्विस क्वालिटी उससे आपका जो प्रोमिस्ड सर्विस क्वालिटी था उससे डेविएट कर रहे हैं, आप अच्छे जा रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं, आप बुरे कर रहे हैं तो बुरे में जा रहे हैं। तो आपको सर्विकल रिसर्च जब भी करते हैं तो मेनली हम सर्विस परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, परफॉर्मेंस ऑन डिफरेंट यार्डस्टिक्स, परफॉर्मेंस ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया, चाहे वो एम्प्लॉय का हो, चाहे ओवरऑल कंपनी का हो, चाहे वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन का हो, चाहे परसेप्शन का हो, हर चीज का। उसके बाद अगर आप टेलर कॉल और पोस्ट ट्रांजेक्शन सर्वे अगर यूज करते हैं तो यहाँ पे किस तरह के रिसर्च ऑब्जेक्टिव होते हैं, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इमीडिएट फीडबैक और परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस ट्रांजेक्शन। जैसे ही ट्रांजेक्शन सर्वे हम करें, पोस्ट ट्रांजेक्शन सर्वे मतलब हमने सर्विस अभी दे दी, अभी उसके बाद हम पूछ रहे हैं कि भैया जैसे आपने कभी स्कूटी या गाड़ी को सर्विस कराया होगा तो सर्विस स्टेशन से आपको फोन आता है कि आपकी गाड़ी अब कैसी चल रही है, आपने सर्विस कराया था। तो दैट इज बेसिकली ट्रेलर कॉल्स और पोस्ट ट्रांजेक्शन सर्वे सर्वे। और इसमें हम क्या फाइंड करने की कोशिश करते हैं, इमीडिएट फीडबैक लेते हैं किसी भी तरह के सर्विस ट्रांजेक्शन का, मेजर करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ चेंज इन सर्विस डिलीवरी, टू एक्सेस सर्विस परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल एज अ टीम और अ टीम, जिस भी बंदे ने आपको सर्विस दी उसने क्या आपको अच्छी सर्विस दी या नहीं दी, उसका अगर हमको परफॉर्मेंस तुरंत चेक करना है तो उसके लिए हम ट्रेलर कॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। टू यूज एज इनपुट फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जब अगर किसी ने फीडबैक दिया अच्छा या बुरा, अच्छा दिया तो बहुत अच्छा, बुरा दिया है तो वहां पे कहाँ पे मुझे चेंजेस लाने की जरूरत है वो भी आइडेंटिफाई हो जाता है उससे। एंड टू आइडेंटिफाई कॉमन सर्विस फेलियर पॉइंट्स, कॉमन सर्विस फेलियर पॉइंट्स भी आपको पोस्ट ट्रांजेक्शन सर्वे में पता चलेगा, बिकॉज द फर्स्ट पर्सन हु हैज टेकन अ सर्विस फ्रॉम यू उसको पता है कि कहाँ पे क्या सही है और कहाँ पे क्या गलत है, और वो इमिडिएटली आपको बता भी पाएगा। तो उससे आपको बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि आपका सर्विस फेलियर पॉइंट्स का है। अगर आपने 10 आदमी को फोन किया, 10ों ने अगर आपकी एक गलती को बताया तो मतलब वो आपका कॉमन सर्विस फेलियर पॉइंट है। उसी तरह से अगर आप टाइप ऑफ रिसर्च में प्रोसेस चेक पॉइंट इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, टू डिटरमाइन परसेप्शन ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल सर्विस ड्यूरिंग सर्विस प्रोविजंस, या फिर टू आइडेंटिफाई सर्विस प्रॉब्लम एंड सॉल्व देम अर्ली इन सर्विस रिलेशनशिप। प्रोसेस चेक पॉइंट, जब भी आप कस्टमर्स को सर्विस डिलीवर कर रहे हैं तो वहां पे कहाँ कहाँ कस्टमर को अगर कोई दिक्कत हो रही है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप फाइंड करें और उसको आप तुरंत सॉल्व करें, इससे क्या होता है कि आपको सर्विस रिलेशनशिप अच्छा रहता है कस्टमर्स के साथ। तो ये आपके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। उसी तरह से सोशल मीडिया रिसर्च हम इनकरेज करते हैं, इन ऑर्डर टू वहां पे जो हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू इनकरेज वर्ड ऑफ माउथ, टू मेजर इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, टू आइडेंटिफाई और अटेंड डिसटिस्फाइड कस्टमर्स। उसी तरह से अगर आप सर्विस एक्सपेक्टेशन मीटिंग एंड रिव्यूज कर रहे हैं मतलब आप अपने रिव्यूज के बारे में
पढ़ रहे हैं, क्या डायलॉग आपका कस्टमर आपके बारे में दे रहा है, तो उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो वहां पे आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो होता है टू आइडेंटिफाई व्हाट इंडिविजुअल लार्ज कस्टमर्स एक्सपेक्ट एंड देन टू इंश्योर दैट इज डिलीवर्ड, टू क्लोज द लूप विद इंपॉर्टेंट कस्टमर्स, टू क्रिएट डायलॉग विद इंपॉर्टेंट कस्टमर. एक एक कंपनी में कुछ कस्टमर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. बैंकिंग में जैसे आपने प्रिविलेज बैंकिंग का नाम सुना होगा, तो ऐसे कस्टमर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज आपका अगर मान लीजिए 100% बिजनेस में से 70% बिजनेस आपको ये प्रिविलेज कस्टमर्स के थ्रू ही आता होगा. मे बी वो कम होते होंगे नंबर में, लेकिन उनका जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत हाई है, तो वो कस्टमर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उनके उनके नीड्स को अगर आपको मीट करना है, उनकी जरूरतों को जानना है, तो वहां पे हम सर्विस एक्सपेक्टेशन मीटिंग्स एंड रिव्यू टाइप ऑफ रिसर्च यूज करते हैं. मार्केट ओरिएंटेड एथनोग्राफी इज ऑल्सो टाइप ऑफ रिसर्च, जिसमें कि हम फाइंड करते हैं रिसर्च कस्टमर्स इन नेचुरल सेटिंग्स एंड टू स्टडी कस्टमर फ्रॉम कल्चर अदर देन अमेरिकन और अदर देन एनी ऑफ द एथनिसिटी, जहां पे भी वो रहता है उससे अलग होकर के अनबायस्ड वे में नेचुरल सेटिंग में हम कस्टमर्स के बारे में रीड करने की, उसको सर्च करने की कोशिश करते हैं. मिस्ट्री शॉपिंग भी यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल एम्प्लॉय परफॉर्मेंस फॉर इवैल्यूएशन रिकॉग्निशन रिवॉर्ड एंड टू आइडेंटिफाई सिस्टमैटिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन कस्टमर कॉन्टैक्ट पॉइंट. मिस्ट्री शॉपिंग बहुत बार रिटेल इंडस्ट्री में यूज की जाती है, जहाँ पे कंपनी किसी बंदे को रिक्रूट करती है या फिर उसको आउटसोर्स करती है, जिसमें वो खुद एक कस्टमर बन के जाता है और फिर वो जो आपके जो सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं उनसे इंटरेक्ट करता है और फिर वो अपने एक्सपीरियंसेस को बताता है कि आपको वो एम्प्लॉय अच्छा था या खराब था. तो इससे कंपनी को पता चल जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय उनका अच्छा काम कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय उनका खराब काम कर रहा है. बिकॉज एज अ मैनेजमेंट अगर आप देखेंगे तो मैनेजर के सामने तो सब सही होते हैं, लेकिन जब कस्टमर्स होते हैं तब उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, तब वो कैसे बिहेव करते हैं, वो आप मिस्ट्री शॉपिंग के थ्रू आप पता कर सकते हैं. कस्टमर पैनल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है इन ऑर्डर टू फाइंड कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन एंड उनके सजेशंस लिए जा सकते हैं. न्यू सर्विस आइडियाज को इवैल्यूएट किया जाता है. लॉस्ट कस्टमर रिसर्च, आपके जो कस्टमर डिफेक्शन हो रहे हैं, मतलब ऐसे कस्टमर्स जो आपको छोड़कर चले गए, उसको ढूंढने के लिए आप लॉस्ट कस्टमर रिसर्च करते हैं. ढूंढने का मतलब ये नहीं कि आप खोया पाया डिपार्टमेंट चले गए, वैसा नहीं है. मतलब आपके जो आप जो कस्टमर को लूज कर रहे हैं, आप जैसे होता है ना कि आप एक एग्जांपल समझिए कि आप अपने मोबाइल में आपने एक ऐप डाउनलोड किया, तो कंपनी को तो पता है कि किसके मोबाइल में मेरा ऐप है. तो इस महीने अगर मान लो कि 10,000 लोगों ने मेरा ऐप को डाउनलोड किया और अगले महीने फिर 10,000 लोगों ने मेरे ऐप को डाउनलोड किया, तो टोटल मेरे पास 2 महीने में 20,000 ऐप्स का डाउनलोडिंग हो जाना चाहिए. लेकिन उसमें से अगर 5,000 लोगों ने मेरे ऐप को डिलीट भी कर दिया है, मतलब कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है. तो जो चीज 20,000 होनी चाहिए वो अभी 15,000 हो गई, तो यू हैव लॉस्ट 5,000 कस्टमर्स. तो व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस डिफेक्शन, व्हाई कस्टमर लेफ्ट यू, ये भी ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो लॉस्ट कस्टमर रिसर्च जिसको हम कहते हैं. फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिसर्च होता है जब हम फ्यूचर फोरकास्ट को करना चाहें, अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को जानना चाहें. एंड डेटाबेस कस्टमर रिसर्च होता है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डेटाबेस इंफॉर्मेशन. ये बेसिकली हम जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं लोगों का के बेस रिसर्च करने के लिए, तो वहां पे हम डेटाबेस कस्टमर रिसर्च का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम कुकीज और एक एक इंडिविजुअल कस्टमर की पूरी हिस्ट्री हम आजकल अगर आप देखेंगे तो हम वो जान सकते हैं कि कोई भी कस्टमर एक एक इंडिविजुअल कस्टमर उसकी उसकी विशलिस्ट कैसी है, उसकी उसको क्या क्या चीजें पसंद है, वो इंटरनेट में किस तरह की चीजें सर्च करता है, उसका चॉइस ऑफ कलर कैसा है, उसका चॉइस उसके अगर वो किस तरह का ड्रेसअप है तो कौन से साइज में वो फिट होता है. आप इस इन सारी चीजों का आराम से अगर आप जब भी शॉपिंग करते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि जब कंपनीज जो मतलब वेबसाइट आप यूज करें वो खुद ही आपको बताते हैं कि आप पे ये अच्छा लगेगा या फिर आपको ये कलर ये साइज लेना चाहिए. तो इसको ये इस तरह के रिसर्च को हम डेटाबेस कस्टमर रिसर्च कहते हैं, जहां पे हम इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से रिकॉर्ड करते हैं और उसका एक डेटाबेस बनाते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च जो आप यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू लिसन टू योर कंस्यूमर्स.
तो आपने तो रिसर्च कर ली, चलो ठीक है, बहुत अच्छा रिसर्च कर लिया। रिसर्च करने के बाद ये सारा डेटा, आपने बहुत सारा डेटा जमा किया, डेटा के बाद उसको फिर आप क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। तो जब आप एनालाइज कर रहे होते हैं डेटा को, इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, तो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए। और जब आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं या फिर जब आप उसको प्रेजेंट करें, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज ऑल्सो पार्ट, तो आप उसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, आप उसको न्यूमेरिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे अच्छा होता है ग्राफिकली अगर आप डेटा को प्रेजेंट करते हैं। आपने आजकल देखा होगा पावर बीआई यूज होता है, गूगल स्टूडियो यूज होता है इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट द डेटा, जो भी आपने डेटा एनालिसिस की उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने के लिए। लेकिन ये ठीक है, आप गूगल स्टूडियो यूज करें, पावर बीआई यूज करें, आप किसी भी तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वेल एंड गुड। लेकिन आप जब इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो देर आर की कंसिडरेशंस जिसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो व्हाट आर द की कंसिडरेशंस? पहला, हु गेट्स दिस इंफॉर्मेशन, किसके लिए आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, किसको ये इंफॉर्मेशन जाएगा। तो वैसा बंदा अगर उसको न्यूमेरिकली चीजों को समझ में नहीं आई, उसको ग्राफिकली समझ में आता है, तो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही करना पड़ेगा। उसको न्यूमेरिकली अगर बताएंगे तो उसके लिए चीजें शायद डिफिकल्ट हो जाए। व्हाई डू दे नीड इट, किस पर्पज के लिए उनको डेटा का जरूरत है, उसके हिसाब से आप एनालिसिस लिखिएगा, उसके हिसाब से आप उसको इंटरप्रिटेशन लिखिएगा। रिसर्च समरी जो होती है उसके हिसाब से ही होती है। व्हाई डू दे नीड इट, हाउ विल दे यूज इट, कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे, एंड डज इट मीन द सेम थिंग क्रॉस कल्चर्स। सेम रिसर्च, क्या क्रॉस कल्चर मतलब जब एक कंपनी, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो, तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट एथनिसिटी में, क्या सेम रिसर्च या सेम इंटरप्रिटेशन जैसा आपने लिखा है उसको उसी तरह से लिखना है या उसको डिफरेंट तरह से प्रेजेंट करना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये की कंसिडरेशंस है जिसको जब भी आप एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। तो ठीक है, इंटरप्रिटेशन कर लिया, वेरी गुड। अब क्या करें, आपने डेटा एनालिसिस रिसर्च तो बहुत अच्छी करी, लेकिन अगर आप रिसर्च को समझे नहीं तो क्या होगा? सो व्हाट्स नेक्स्ट, रिसर्च करने के बाद क्या करेंगे? तो अंडरस्टैंड ऑल द रिजल्ट्स, यू कम्युनिकेट, और ये कम्युनिकेशन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों हो सकता है। जो अपवर्ड मतलब अगर आप एक रिसर्च एनालिस्ट हैं तो आप हायर अथॉरिटीज, टॉप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करिए कि व्हाट एवर अंडरस्टैंडिंग यू गॉट बाय दैट पर्टिकुलर रिसर्च, और उसको कम्युनिकेट करिए प्रॉपरली। उसके हिसाब से जितने भी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो फॉर्मुलेट होंगे। और अगर आपको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करना है, तो जो भी रिसर्च एनालिसिस आपने किया, जो भी डेटा आपने फाइंड किया, जो भी रिजल्ट आपने ढूंढा, उसको अपने एम्प्लॉइज तक अच्छे से पहुंचाने के, भैया तुम्हारा जो फीडबैक था वो गलत था, तो तुम्हारा फीडबैक गलत है तो मतलब तुम्हें अपने ऊपर काम करना है। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंडरस्टैंडिंग द रिसर्च एनालिसिस, कम्युनिकेशन अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड, एंड एग्जीक्यूशन। फाइनली आपने रिसर्च करके जो भी चीजें फाइंड की है उसको अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसको एग्जीक्यूट नहीं करते, तो इतना रिसर्च करने का क्या फायदा है? तो अंडरस्टैंड, कम्युनिकेट एंड एग्जीक्यूट, दैट इज द मेजर थिंग इन वाइल डूइंग एनी टाइप ऑफ रिसर्च इन सर्विस मार्केटिंग और एनी टाइप ऑफ मार्केटिंग। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू वॉन्ट टू राइट एनी थिंग टू मी, राइट टू मी एट vijayata.rwc@gmail.com, और यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल इंस्टेंटली रिप्लाई टू एनी ऑफ द कमेंट। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।